जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 31 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 1 से लेकर 4 तक। फेलोशिप विद द लविंग फादर कंप्लीट्स अवर जॉय। प्रेमी पिता के साथ सहभागिता हमारे आनंद को पूरा करता है। ये आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले कई एपिसोड्स में हमने एफिसियों के पुस्तक से अध्ययन किया। पिछले हफ्ता हमने पहला यूहन्ना का परिचय के बारे में हमने देखा था। आज जो है हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्रेरित यूहन्ना यहाँ एक जीवन के वचन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जीवन के वचन कौन था? वो कहते हैं कि वो जो जीवन के वचन जो आदि से था। तो इसको देखने के लिए हमें यूहन्ना अध्याय 1:1 में यदि हम देखते हैं, उसमें लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो कहते हैं कि आदि में वचन था। ये पहला यूहन्ना में दोबारा प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि उस वचन, वो उस जीवन के वचन जो आदि से था। तो ये दोनों अध्याय में एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है जीवन का वचन है, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिनको यदि हम पहला अध्याय में हम देखते हैं कि वो वचन जो है इस पृथ्वी में आया और हमारे साथ रहा। और उन चीज के बारे में यदि वो यूहन्ना पहला अध्याय में बात करते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि पहला यूहन्ना अध्याय 1:1 में वो कहते हैं, वो जीवन के वचन जो आदि से था, जिससे हमने सुना। वो कहते हैं कि वो वचन जो जीवन का वचन जो है उनसे हमने सुना। हमने कौन कौन? वो प्रेरित यूहन्ना और उनके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले, और 11 चेले थे और कई लोग प्रभु यीशु मसीह को सुने। वो जीवन का वचन जो स्वर्ग से नीचे उतर आया, उनसे जिसने सुना, यूहन्ना और उनके दोस्त लोग जो यीशु मसीह के चेले लोग, उनसे सुना। और कहते हैं कि जिसे अपनी आंखों से देखा। वो कहते हैं कि इनको हमने अपने आंखों से देखा। किसको? यीशु मसीह को, जो जीवन का वचन है, जो स्वयं जीवन है, उनको हमने स्वयं अपने हमसे हमने सुना। वो प्रचार करते हुए, वो बात करते हुए हमने सुना और उनको हमने अपने आंखों से हमने देखा। और वो कहते हैं कि जिसे हमने बहुत ध्यान से देखा, उसका मतलब हम बहुत उनको नजदीक से देखा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हमने दूर से देखा हो। अच्छा, एक दिन उदाहरण के लिए एक शूटिंग हो रहा था, उधर एक हीरो आया हुआ था, उनको हमने दूर से देखा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें हमने ध्यान से देखा, उसका मतलब वो उन लोग उनके साथ था जो जीवन के वचन इस पृथ्वी में आया, उनके साथ था, उनको बहुत गहरे तरीके से वो जानते थे। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि जिन्हें हमने अपने हाथों से छुआ। तो वो कहना चाहते हैं कि देखो, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए थे, उनको हमने सुना, अपने आंखों से देखा और बहुत ध्यान से, बहुत नजदीक से उनको देखा और उनको हमने अपने हाथों से छुआ। क्योंकि उस समय में यूहन्ना जिस समय में ये लिख रहे हैं, उस समय में एक झूठा शिक्षक, शिक्षा जो है उधर उधर फैल रही थी। वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर है, वो शरीर में आए नहीं थे, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। तो यूहन्ना इधर बताना चाहते हैं कि वो मनुष्य थे, 100% वो मनुष्य थे और हमारे बीच में वो थे, हमसे वो बात करते थे, हमने उनको बहुत नजदीक से देखा, इवन हमने उनको छुआ। हम जानते हैं कि वो 100%
मनुष्य थे, वो मनुष्य भी थे वो और परमेश्वर भी थे। तो इसके बारे में वो बात करते जाते। उसके बाद वो यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 1:2 हम पढ़ते हैं, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये कहते हैं कि द लाइफ अपीयर्ड, वो जीवन प्रकट हुआ। ये वो योहना के पुस्तक में भी वो कहते हैं कि और वचन देहधारी हुआ। वो कहते हैं कि आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं परमेश्वर था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो वचन, योहना अध्याय 1:14 में बताते हैं कि वो वचन देहधारी हुआ। तो और यदि पहला योहना में वो कहते हैं कि वह जीवन प्रकट हुआ, वो जीवन जो है हमारे सामने प्रकट हुआ और हमने दोबारा, वो कहते हैं जो जीवन उन हमारे सामने प्रकट हुआ उनको हमने देखा और जिनको हमने देखा है उनका बारे में हम गवाही दे रहे हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो यीशु मसीह वो अनंत जीवन थे और जो पिता के साथ थे वो हमारे हम पर प्रकट हुए थे, हमने उनको देखा। तो उसके बाद यदि वो आगे जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, वो कहते हैं कि वो अनंत जीवन था। योहन्ना यदि 11:25 हम पढ़ते हैं, योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11:25, उसमें लिखा गया है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने उनको कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो जीवन स्वयं यीशु मसीह थे, वो उनके सामने प्रकट हुए थे और उनके गवाही, वो उनके उनके जो जो यीशु में उनको देख रहे थे उनको वो गवाही दे रहे थे और हमें भी वो बताते हैं कि यीशु मसीह शरीर में 100% इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे। उसके बाद यदि हम पहला योहन्ना 1:3 हम देखते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये इसलिए हमें बताते हैं पहला योहन्ना, प्रेरित योहन्ना हमें इसलिए बताते हैं ताकि जो सुसमाचार हमने सुना, जो यीशु मसीह को, जो जीवित वचन को हमने जो देखा उसका हम क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और इसलिए हम गवाही देते हैं, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। क्या सहभागी, किसके साथ सहभागी हो जाओ? वो कहते हैं कि हमारे मेल, हम परमेश्वर से पहले बहुत दूर थे, परमेश्वर के संदान नहीं कहलाए जाते थे, हम पापी थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन हमारे सामने प्रकट हुआ, वो जो जीवन के वचन हमारे सामने प्रकट हुआ, उनके द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ चुके थे। रोमियो अध्याय 5:1 में ऐसा लिखा गया है, रोमियो पौलोस कहते हैं कि अतः जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अभी क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी मेल रखे। जो कुछ हमने देखा वो आपके सामने क्या करते हैं, हम प्रकट करते हैं और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया था, हम परमेश्वर के साथ सहभागी हो चुके हैं, हमारे परमेश्वर के साथ हमारा महल जो है हो चुका है। तो इसे हमें ध्यान रखना जरूरी है। वो कहते हैं कि वो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जो जो सहभागिता जो है
वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी है। वो इसलिए इस समाचार को, इस बात को हमें बताते हैं कि ताकि हम भी ये जाने कि हमारे रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। और उसके बाद यदि हम देखते हैं योहन्ना अध्याय, पहला योहन्ना अध्याय 1:4 में, और ये बातें हमने इसलिए लिखते हैं कि हमारे आनंद पूरा हो जाए। पौलोस जो है, ये पौलोस नहीं, प्रेरित योहन्ना ने इस बातों को इसलिए लिखा है कि वो कहते हैं कि हमारे जीवन जो है, हमारे आनंद जो है पूरा हो जाए। ये हमारे आनंद कैसे पूरा होगा? हम तो मसीह में आए तो हमें आनंद मिली है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये आनंद जब पूरा होगा, हमारे सहभागिता जो है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ, है ना, वो कहते हैं कि हमारे साथ सहभागी हो, कहते हैं तो कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे फेलोशिप जो है, केवल हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है, हम परमेश्वर से रोज बात करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, लेकिन अपने लोगों के साथ, हमारे आसपास में जो रहते हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप सही नहीं है, तो फिर ये जो है हमारा रिश्ता सही नहीं है। वो कहते हैं कि तो ये आनंद जो पूरा होगा, जो मसीह में, जो आनंदमय जीवन हमारे जीवन में यदि अनुभव करने के लिए, जो हमारे रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो अपने लोगों के साथ तो हमारा रिश्ता ठीक है, परमेश्वर से नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। और कोई लोग कहते हैं कि हमारे परमेश्वर से तो हमारा मेल सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर के लोग से तो हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, हमारे वो जो है फेलोशिप जो है इनके साथ नहीं हो सकता, ये ऐसे होते तो वो नहीं हो सकता। यदि हम परमेश्वर के साथ मेल में हैं तो अपने भाइयों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ भी हमारा सहभागिता होना जरूरी, हमारे फेलोशिप होना जरूरी है। तो कलीसिया जो है ये उसका एक उदाहरण है। कलीसिया में हम आते हैं, मिलते हैं, हम सब एक शरीर का अंग है, एफिसियों में हमने अध्ययन किया है। तो एक शरीर और दूसरे शरीर में कोई टकराव जो है, ये प्रॉब्लम्स जो है नहीं होना चाहिए, वो एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। वो कहते हैं जब ये पूरे शरीर के हर अंग एक साथ मिलकर कार्य करता है, उस समय में क्या होगा, हमारे आनंद जो है पूरा होगा। तो आनंदमय जीवन बिताने के लिए एक रहस्य है, वो है परमेश्वर के साथ मेल और परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार में जो है मेल बना के रखना। वो जो है उसके द्वारा हम परमेश्वर का उस आनंद जो है हमारे जीवन में पूरा होगा। तो पहला योहन्ना जो है वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप में, परमेश्वर के साथ रिश्ते में और बहुत ध्यान देते हैं। और आने वाले समय में हम देखते हैं जो चीज परमेश्वर के रिश्ता में बीच में खड़ा होता है उसके बारे में वो बात करते हैं, और परमेश्वर के, परमेश्वर से मेल होने के बाद परमेश्वर के जन के जीवन में कैसा बदलाव आता है, कैसा उनका जीवन कैसे होते हैं, उन चीजों के बारे में वो बात करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना जरूरी है, यदि हम परमेश्वर में है, मसीह में है, तो हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। परमेश्वर के साथ हम कभी भी पिता के पास, हमारे पिता के पास कभी भी जा सकते हैं, कभी भी उनसे जाके बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, और उनके हर आशीषों को सहभागी हम हो सकते हैं। वैसे ही इधर योहन्ना भी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उस रिलेशनशिप को जो परमेश्वर के साथ, जो फेलोशिप हमारा हो चुकी है, उसके अपने लोगों के साथ भी लाना जरूरी है, ताकि वो आनंद को जो हमें मिली है उसको पूरे तरीके से हम अनुभव कर सके। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष करके आज के एपिसोड को, एपिसोड से हमने सुना था पिता परमेश्वर, जो आप जीवन के वचन थे और देहधारी होकर इस दुनिया में आए और हमारे बीच में रहे, और पिता परमेश्वर, और आपके आने के द्वारा हमारे पिता के साथ जो मेल हुई है प्रभु जी, उस मेल को, उस फेलोशिप को,
और केवल आपके साथ रिलेशनशिप नहीं, आपके लोगों के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ भी वो मेल को बना के रखने के द्वारा आपके आनंद को हमारे जीवन में, आपने दिया हुआ वो आनंद को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूरे तरीके से अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद, सारे आदर महिमा देते हुए, आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं इस मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thank you.